ना नजरों को फेरिए, ना पुतलियों को घुमाइए और ना ही किसी से बात कीजिए। सिर्फ 43 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। माहौल थोड़ा गर्म सा लग रहा है, चारों तरफ शिव भक्तों की भीड़ है। इस भीड़ में आप फोकस करिए स्काई ब्लू शर्ट पहने इस शख्स पर, जो गुस्से में तमतमा कर आता है और हाथ ऊपर करके सामने खड़े लोगों पर बिफर पड़ता है। ये शख्स शायद किसी को धमका रहा है। तेवर देखिए जनाब की, जैसे पारा सातवें आसमान पर हो। गुस्से से इस अदर आग बबूला है कि ना जाने क्या करेगा। इस दौरान फिर कुछ ऐसा हुआ कि भगदड़ जैसा माहौल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये हुआ क्या, तो फिर देखिए इस वीडियो को। इस शख्स ने आओ देखा ना ताव और इतने सारे लोगों के बीच सरेआम अपनी कमर से पिस्टल निकाली और हवा में गोलियां दागने लगा। लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर गुस्सा इतना हावी है कि वो किसी की बात तो सुन नहीं रहा बल्कि अपनी धुन में लगा है। उसने हवा में पिस्टल लहराया और एक साथ कई फायर ठोके, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हैरत की बात है कि पुलिस भी सामने थी, लेकिन युवक कानून से डरने के बजाय अपनी दबंगई दिखाने में लगा था। खैर, आगे की तस्वीर देखिए। जैसे ही युवक ने गोली चलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, पुलिस उपद्रवियों पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़ी और उन्हें काबू करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। बवाल का ये वीडियो तो आपने देख लिया। चलिए अब आपको बताते हैं ये मंजर है कहां का और ये माजरा क्या है। दरअसल ये सीसीटीवी वीडियो बरेली का है, जहां कुछ कांवड़िए जल लेने कछला जा रहे थे। जैसे ही कांवड़ियों का जत्था जोगी नवादा पहुंचा, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन्हें रोक लिया और वहां से गुजरने पर विरोध करने लगे। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और कांवड़ियों को दूसरे रास्ते से जाने की अपील की, लेकिन कांवड़ियों ने एसएसपी की बात भी नहीं मानी और तेज आवाज में गाने चलाकर नारेबाजी करने लगे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।